बल्लभगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर बल्लभगढ़ व्यापार मंडल ने शोक सभा का आयोजन किया। व्यापारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की मौत पर शोक व्यक्त किया तो दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक ने राष्ट्रीय शोक होने के बावजूद भी कर्मचारियों की एक मीटिंग बुला डाली। भारत सरकार व प्रदेश सरकारों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को लेकर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया हुआ है और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है, लेकिन शहर में एक तरफ तो शोक सभा हो रही है, दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक से इस बारे में बात करनी चाहिए तो वो कैमरे से बचते हुए निकल गए, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उदारीकरण का उदाहरण देते हुए शहरवासी रामकिशन तेवतिया ने बताया कि सन 1965 में उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई थी और उन्होंने अपने अतिथि के रूप में उन्हें उस समय संसद का सत्र दिखाया था। उन्होंने कहा कि जननायक व जन जन के नेता रहे, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, वे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए बैठे हैं जी कि हमारे भारत के लाखों करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट और जन जन के नेता, जन जन नायक और बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी का निधन हो गया है। उनके शोक के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभी अपने साथियों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से यहाँ बैठे हैं, सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में जगा दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और कुछ मेरे एक संस्करण है वाजपेयी जी के साथ, वो मैं आपको थोड़ी सी उसमें सुना देता हूँ। 1965 की बात है, भारत पाक युद्ध हो रहा था, तो उस समय वाजपेयी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान उच्चायुक्त के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो मैं भी उस धरने प्रदर्शन में शामिल था। तो मैं उस समय ये देखना चाहता था कि पार्लियामेंट का सेशन कैसे चलता है, तो अधिवेशन देखना चाहता था। तो जब हम धरना प्रदर्शन करने के बाद जब वापस पैदल पैदल आ रहे थे, तो मैं वाजपेयी के बराबर जाकर के बोला कि सर, मैं तो उसका अधिवेशन देखना चाहता हूँ संसद का। तो वाजपेयी जी के सामने मैंने फार्म रख दिया, फार्म कोरा था। वाजपेयी बोले, बेटे इसको भर तो लेते। मैंने कहा, सर अब कहाँ भर लूँ, घर जाके भर लूँगा, आप साइन कर दीजिए इस पर। तो वाजपेयी जी ने मेरे से फार्म लिया और उसको लिख दिया AV वाजपेयी, और मेरे से बोले, बेटे आप मेरे गेस्ट बन के अधिवेशन देखने जाएंगे, इसलिए ये पास वहाँ से बन के मेरे घर पे आएगा, ये मेरे घर का एड्रेस है, और आप 2 दिन बाद अपने पास को ले जाना और अधिवेशन जाकर देख लेंगे। तो फिर 2 दिन बाद मैं उनके घर गया, तो वहाँ वाजपेयी जी मिले नहीं, वहाँ पर वो पुलिस वाले थे। तो मैंने कहा उस सिपाही से कि भाई, रामसिंह तेवतिया के नाम से कोई अधिवेशन का पास आया होगा संसद का, आप वो मेरे को दे दीजिए। उन्होंने मुझे वो पास दे दिया और मैं बड़ा प्रसन्नचित होकर के, बड़ा खुश होकर के, आज मैं वाजपेयी जी के गेस्ट के रूप में मैं संसद का अधिवेशन देखने जा रहा हूँ। तो मैं संसद अधिवेशन गया और वहाँ से अधिवेशन देख करके घर वापस आ गया। वो बात आज तक भी मेरे वैसी ही याद है जैसे मेरे साथ कल की कोई बात हुई हो। तो वाजपेयी जी इतने उदार, इतने सरल, इतने महान व्यक्ति थे कि जिनको हमेशा दुनिया याद करेगी, भारत को याद करेगा ही करेगा। आज एक युग का समाप्त हो गया है, वाजपेयी युग का समाप्त हो गया है। अब आगे भगवान हमसे ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे।